हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज़मिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इट्स थ्री टाइप्स। इन लास्ट क्लास में अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के थ्री टाइप्स डिस्कस की थी। आज की क्लास में अपन फोर्थ टाइप, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फोर्थ टाइप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाई सच कंपाउंड विच कंटेन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। यानी ध्यान रखें, ये आइसोमेरिज्म कहाँ मिलेगी? ओनली उसी कंपाउंड में मिलेगी जहाँ कैटायन भी एंटिटी में होगा और एनायन भी एंटिटी में होगा। जैसे कि अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसको आगे बताऊँगा मैं कैसे करना है। तो एट फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगी जहाँ पर कैटायन भी एंटिटी में हो और एनायन भी क्या हो, एंटिटी में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सेज। यानी इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एंटिटीज़ के बिटवीन लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे NH3 यहाँ इस वाली एंटिटी में आ जाएंगे, CN इस वाली एंटिटीज में आ जाएंगे। तो देखते हैं अपन कैसे आपको करना है। तो जैसे एग्जाम्पल आपके पास ये है CONH36 CrCN6 का, इसमें मैं करता हूँ लिगेंड्स इंटरचेंज करें अपन। CN सारे इधर ले आया मैं, इस वाली एंटिटी में ले आया COCN6 और CrNH3 सारे इस वाली एंटिटी में ले गया। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप लिगेंड इंटरचेंज कर रहे हैं तो लिगेंड इंटरचेंज करने से चार्ज सेटअप सारा रिवर्स हो जाएगा। यानी ये एंटिटी पॉजिटिव चार्ज थी, ये एंटिटी नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही सारे CN- आप इस वाली एंटिटी में लेके आ जाएंगे, तो ये वाली सारे CN इस वाली एंटिटी में आ गए 6CN, तो ये एंटिटी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। और ये एंटिटी कैसी होगी, अब पॉजिटिव चार्ज। तो सारे लिगेंड्स यदि आप इंटरचेंज कर देंगे, यानी सारे के CN- CN पे माइनस चार्ज होता है अपने को पता है, तो सारे के सारे CN- यदि आप इस वाली एंटिटी में लेके आ गए, तो ये वाली एंटिटी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज। और NH3 आप इधर ले गए, तो ये वाली एंटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज। और किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिखते हैं तो फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, पहले केटाइन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं। यानी आपको इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, केटाइन पहले लिखें, केटाइनिक एंटिटी पहले आपने लिख दी CrNH36 COCN6, तो फर्स्ट कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर ये फॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ मैंने क्या किया, लिगेंड का इंटरचेंज किया, लेकिन लिगेंड का इंटरचेंज करने से एंटिटीज़ पे जो चार्ज सेटअप है वो रिवर्स हो जाता है। यानी सारे CN- यदि आप इस वाली एंटिटी में ले आए, तो ये वाली एंटिटी नेगेटिव चार्ज होगी और ये वाली एंटिटी पॉजिटिव चार्ज। अब फॉर्मूला जब भी आप लिखते हैं तो पहले केटाइन लिखते हैं बाद में एनायन, तो इस एंटिटी को आपको पहले लिखना पड़ेगा, इसको आप इस एंटिटी को बाद में लिखना पड़ेगा। यानी इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर कौन सा फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। अभी यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें लिगेंड की जगह आप ये बोल दें कि सेंट्रल एटम इंटरचेंज हो। आप देख रहे हैं कोबाल्ट यहाँ जा रहा है, CR यहाँ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये डेफिनेशन में कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना है। डेफिनेशन में आपको हमेशा यही लिखना है कि लिगेंड्स आर इंटरचेंज बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज़। कैटायनिक एंटिटीज़ और एनायनिक एंटिटीज़ के बिटवीन किसका इंटरचेंज होगा, लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा। लेकिन लिगेंड का इंटरचेंज होने से एंटिटी पे चार्ज होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो वो पहले केटाइन लिखना है बाद में एनायन लिखना है। तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर कौन सा बन जाएगा, ये आप एग्जाम में डायरेक्ट सीधा भी बना सकते हैं। सेंट्रल एटम को चेंज करके डायरेक्ट आप ये लिख के बता सकते हैं कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर ये हो जाएगा। ये वाली स्टेप आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया जाता है। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखते हैं, CoEn होल थ्राइस CrC2O4 होल थ्राइस। यानी EN का मीन्स इथाइलिन डायमिन और C2O4 क्या होता है, ऑक्सीलेटो। तो ऑक्सीलेटो पे अपने को पता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करें, लिगेंड इंटरचेंज करें अपन, CO C2O4 होल थ्राइस, सारे C2O4 आप इधर लेके आ गए और CrEn होल थ्राइस, EN इस वाली एंटिटी में लेके चले गए। लेकिन ऐसा करने से वही बात, पहले वाली बात हो जाएगी कि ये वाली एंटिटी कैसी होगी, अब सारे C2O4 आप यहाँ से यहाँ लेके आ गए, तो ये वाली एंटिटी नेगेटिव चार्ज हो गई अब, और ये वाली एंटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो पहले किसे लिखते हैं, पॉजिटिव को, बाद में लिखते हैं नेगेटिव को। तो आप कैसे लिखेंगे, CrEn होल थ्राइस CO C2O4 होल थ्राइस, ऐसे इसका फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वही आपने किया तो लिगेंड इंटरचेंज, लेकिन आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपने ये बनाया तो सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है। कोबाल्ट को क्रोमियम की जगह ले गए, क्रोमियम को कोबाल्ट की जगह आप लेके चले गए। तो डायरेक्ट आप लिख के बता सकते हैं, सेंट्रल एटम चेंज करके बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में कभी भी आपको ये नहीं लिखना है।
डेफिनेशन में आपको हमेशा यही लिखना है कि लिगेंड्स आर इंटरचेंज बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज़। कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज़ के बिटवीन लिगेंड्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, लिगेंड इंटरचेंज करने से चार्ज है वो रिवर्स हो रहा है, तो आपको पहले कैटायन लिखना पड़ेगा बाद में एनायनिक। तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि लिगेंड्स आर इंटरचेंज डेफिनेशन में, लेकिन जब आपको बनाना हो कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर फॉर्म करें, तो आप डायरेक्ट सेंट्रल एटम को चेंज करके बता सकते हैं। लेकिन अब कुछ कंपाउंड आपके पास ऐसे आ जाए जिसमें सेंट्रल एटम ही सेम है, तो कैसे करें आप? अब सेंट्रल एटम को चेंज करने से कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम है ही सेम। तो सेंट्रल एटम यदि आप चेंज करोगे तो बनेगा नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो शोन बाई द कंपाउंड्स इन विच मेटल आयन इज सेम इन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज़। यानी कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज़ में जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, ध्यान रखें, सेंट्रल एटम जब सेम है तो यदि मैं सारे सी एन इधर ले आऊँ, सारे एन एस थ्री इधर ले आऊँ, तो वही बात, एंटिटी ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। जब उसको रिवर्स लिखेंगे तो ये का ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, सेम कंपाउंड मिल जाएगा, यानी आइसोमर तो बना ही नहीं। तो ध्यान रखें, जब सेंट्रल एटम सेम है तो इसका आइसोमर आप कैसे बनाएंगे, इसमें आपको लिगेंड चेंज करने हैं अनइक्वल नंबर में। जैसे ध्यान रखें, थ्री सी एन मैं यहाँ से यहाँ लेके आ जाऊँ, यदि थ्री सी एन में लेके आता हूँ तो थ्री सी एन यहाँ होगी, थ्री सी एन मतलब और थ्री सी एन यहाँ होगी, तो दोनों एंटिटी नेगेटिव चार्ज हो गई है। सारे के सारे लेके आने से वो का वो कंपाउंड बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक या दो लिगेंड इंटरचेंज करने हैं आपको यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे मैं ये कर दूँ सी आर एन एस थ्री फोर और दो सी एन यहाँ लेके आ जाऊँगा, सी एन होल ट्वाइस, और इस वाले कंपाउंड में हो जाएगा सी आर सी एन फोर एन एस थ्री होल ट्वाइस। ये मैंने इंटरचेंज यहाँ पे कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि दो सी एन में यहाँ लेके आया, तो ये माइनस टू चार्ज हो गया, और यहाँ सी एन कितने हैं, यहाँ सी एन फोर, यानी यहाँ पे माइनस फोर चार्ज है, यहाँ पे लेस नेगेटिव, यहाँ पे मोर पॉजिटिव, मोर नेगेटिव सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, लेस नेगेटिव यानी माइनस टू, यहाँ पे क्या है माइनस फोर। तो बिल्कुल सही, इसको आप ऐसे कैसा लिख सकते हैं, यानी ये कैटायन, ये क्या हो गया, एक तरह से कैटायन हो गया, ये क्या हो गया एनायन, यानी लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव मीन्स कैटायन और मोर नेगेटिव मीन्स क्या हो गया, एनायन हो गया। इसको आप डायरेक्ट आप ऐसे लिख के बता सकते हैं। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल यदि आप देखें, पी टी एन एस थ्री फोर पी टी सी एल फोर, तो इसमें भी क्या करना है, आपको एक लिगेंड इंटरचेंज कर दें, पी टी एन एस थ्री होल थ्राइस, एक सी एल आप इधर लेके आ गई, और यहाँ क्या हो गया पी टी सी एल थ्री एन एस थ्री। तो अब देखो सी एल एक आया है तो माइनस वन, और यहाँ सी एल कितने हैं, तीन, यानी माइनस थ्री, लेस नेगेटिव या मोर नेगेटिव, तो बिल्कुल सही है। यानी किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में पहले लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव का मीन्स कैटायन, और बाद में क्या लिखते हैं मोर नेगेटिव, यानी बाद में क्या लिखते हैं एनायन। तो ध्यान रखें, जब सेंट्रल एटम जब डिफरेंट है, तो अब उसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, सेंट्रल एटम को चेंज करके। उसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर आप कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट सेंट्रल एटम को चेंज करके बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। और जब सेंट्रल एटम डिफरेंट आ जाए, सेंट्रल एटम जो आपके सामने डिफरेंट आ जाए, तो वहाँ पे क्या करना है, लिगेंड्स को अनइक्वल नंबर में चेंज करना है, एक या दो चेंज कर देने। जैसे सिक्स सिक्स है तो तीन तीन यदि मैं चेंज करता हूँ तो माइनस थ्री, माइनस थ्री सेम चार्ज हो जाता है, तो दोनों ही नेगेटिव चार्ज एंटिटी हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, दो सी एन इधर ले गए और चार सी एन इधर रह गए, यानी ये लेस नेगेटिव की मोर नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे पी टी एन एस थ्री फोर पी टी सी एल फोर, इसमें आप देख रहे हैं एक सी एल यदि ले गए तो ये माइनस वन चार्ज, और इधर क्या है माइनस थ्री चार्ज, यानी लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, यानी ये कैटायन और एनायन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपने देखा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहाँ मिलेगा, जहाँ पे कैटायन भी एंटिटी में हो और एनायन भी एंटिटी में। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो वहाँ तो आप डायरेक्ट सेंट्रल एटम को चेंज करके बता सकते हैं। और जहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, तो वहाँ पे आप क्या करें, लिगेंड्स को लेस नंबर में इंटरचेंज कर दें, एक या दो लिगेंड आप क्या कर दें, चेंज कर दें।